नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल शीरकले में। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्वप्न शास्त्र की और जानेंगे कुछ आम सपनों के बारे में जो कि लगभग हर किसी व्यक्ति को आते हैं। आइए जानते हैं उन सपनों के बारे में और उनसे मिलने वाले फल के बारे में। तो दोस्तों शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। पहला, अगर कभी आप सपनों में कड़वी दवाई लेते हुए खुद को देखें तो इसका मतलब है कि आपका आने वाला समय मुश्किलों से भरा होगा। सपनों में चींटियों का आना और अगर आप चींटियों को मार रहे हैं तो इसका मतलब है आपको व्यापार में नुकसान हो सकता है। सपने में खुद को किसी समुद्र में फंसे हुए देखना नाव के साथ, तो समझ जाएं आने वाले वक्त में कुछ मुसीबत उठानी पड़ सकती है। सपने में किसी बच्चे को रोता हुआ देखना, सपने में किसी बच्चे को रोता हुआ देखना भी अशुभ माना जाता है। इसका संकेत है कि आपको असफलता और निराशा हाथ लगेगी। सपने में झाड़ू देखना भी अशुभ ही माना जाता है। यह हमारी आर्थिक कमी की तरफ इशारा करता है कि आर्थिक संकट आ सकता है। अगर सपने में कभी किसी की मृत्यु पर खुद को रोते हुए देखें तो इसका मतलब है कि उसकी उम्र बढ़ने वाली है। अगर सपने में आप किसी भी रस भरे फल को देखें या खाएं तो इन दोनों को ही शुभ संकेत के रूप में मान सकते हैं। सपने में बच्चे को पालते हुए देखना भी बेहद सुख फल देता है और यह आपके आने वाले समय में अच्छा संकेत देता है। सपने में किसी खिलौने को देखना इस बात की ओर इशारा करता है कि आपको जल्द ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। सपने में अगर आपको अपना ही हंसता हुआ चेहरा दिखाई दे तो यह हर्ष उल्लास की प्राप्ति का संकेत होता है। खुद को ठहाके लगाकर अगर आप हंसते हुए देखते हैं तो यह दुख देने वाला सपना कहा जाता है। खुद को किसी स्वादिष्ट पकवान को खाते हुए अगर आप देखते हैं तो यह आपके स्वास्थ्य के खराब होने का सूचक होता है। अगर आप सपने में गंदगी देखते हैं तो सपने में गंदगी को देखना और वो भी बहुत बुरी गंदगी देखना शुभ संकेत है। ऐसे सपने में अक्सर धन का लाभ होता है। यदि परिवार के किसी मृत व्यक्ति को स्वप्न में बार बार देखें तो आप समझ जाइए कि यह अतृप्त होने का संकेत है। तो दोस्तों यह कुछ कॉमन या आम सपने थे और उनके द्वारा मिलने वाले फल थे। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।